दोस्तों चलो नाम गणेश महतो और आरसीएम सिस्टम को दिसंबर 2005 से सीखता जा रहा हूं और जैसा कि सभी सिस्टम में और सपने पूरे होते हैं लेकिन ऐसे ऐसे सपने पूरे होते हैं ये मुझे नहीं पता था। मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मेरा बहुत छोटा सा सपना था कि मेरी इनकम सिर्फ 5,000 आ जाए और एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदने के अगर पैसे आ जाए तो मैं रात दिन इस सिस्टम को करूंगा। यही सपना लेकर के मैं आया था और मैं अपने अपलाइन से सिर्फ यही पूछता था सर कि मेरा ये सपना पूरा हो सकता है क्या। उन्होंने एक चीज बताया कि इस सिस्टम में सेकेंड हैंड कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है फर्स्ट हैंड होता है। बात समझ रहे हैं? मैंने लाइफ में कभी साइकिल भी नहीं खरीदने का नहीं सोचा था लेकिन इस सिस्टम में जब मैं ज्वाइन किया और कुछ दिन काम किया तो मैंने पहली मोटरसाइकिल साइन खरीदी, वो भी फर्स्ट हैंड। फिर कुछ महीने हुआ तो मैंने 6 महीने के अंदर अंदर फिर 6 से 9 महीने के अंदर फिर मैंने दोबारा मोटरसाइकिल खरीदी, वो भी होंडा साइन, वो भी फर्स्ट हैंड। उसके बाद फिर मैंने काम को आगे बढ़ाया और मुझे लगा कि मैं और कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरा जो ख्वाहिश था, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि तू जिंदगी में कभी अपनी कमाई का मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, तो मैंने उन लोगों से एक ही चीज कहा था, मेरे पिताजी ने हम 3 भाइयों के लिए 3 मोटरसाइकिलें खरीदी है, अगर आरसीएम में मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहले मैं अपनी बाप के उस साइकिल को मोटरसाइकिल में जरूर कन्वर्ट करूंगा। और मैंने तीसरी मोटरसाइकिल खरीदी, वो भी होंडा साइन, और आज ये तीनों मोटरसाइकिलें मेरे घर में है। तो मेरा सपना तो लगभग पूरा हो चुका था।
है कि नहीं। लेकिन आश्रम में आने के बाद जब अप्लायंस मिलते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं आपके अंदर में टेक्निकल अचीवर देखता हूं, और जिन्होंने पग पग पे मुझे ऐसा सहयोग किया और मेरे अंदर में टेक्निकल की आग लगाते गए, वो शख्स कोई और नहीं है, हमारे गार्जियन के स्वरूप हमारे बीच में हर वक्त मौजूद रहते थे, मिस्टर बोध कुमार सिंह जी। मैं उनके लिए चाहूंगा तेजा सिंह चाहिए। और कहते हैं सर कि जब आप बड़ा लेवल में गेम खेलने जाते हैं तो आपको एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ती है, और जब अच्छी टीम को मैनेज करना होता है तो आपको एक अच्छा कैप्टन बनना पड़ता है। इस सिस्टम में मैंने कैप्टनशिप अदा किया और मेरे गुरुओं ने मुझे कोचिंग देना स्टार्ट किया, और उस समय मुझे एक और शानदार कोच से मुलाकात हुई, और उनको मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन इस सिस्टम में जब कामयाबी की सीढ़ी को मैं चढ़ना स्टार्ट किया, जब मेरा क्षेत्र बढ़ता गया, उस समय मुझे कोचिंग देने के लिए एक नए गुरु का मेरे जीवन में आगमन हुआ, उनका नाम है श्री आर के सिंह जी, राजीव कुमार सिंह जी के लिए मैं। उसके बाद मेरे सपने और थोड़े बड़े हो गए, तब मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे मोटरसाइकिल तो मैंने खरीद ही लिया, साइकिल को मैंने कन्वर्ट किया मोटरसाइकिल में। तब एक बड़े और एक कोच से मुलाकात हुई, जिन शख्स का नाम है मिस्टर पीवी सिंह सर, एक जोरदार तालियां। मैं सिस्टम में काम करता गया, मैं ये नहीं देखा था मैं क्या खरीदूंगा क्या करूंगा, लेकिन काम होता गया। जैसे टीसी सर बताया कि काम करते रहो बहुत कुछ मिलता जाएगा, बात सही है। मैं काम करता गया तो पीवी सिंह सर ने कहा कि मैं तेरी कार का रिबन काटने आऊंगा। मैं कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन बोला आप लाइन बोलते तो पूरा होता है। मैंने बोल दिया हाँ सर, और मैं वहां से निकलने के बाद सोचने लगा ये कैसे होगा, लेकिन इतिहास गवाह है, बोध सर, राजीव सर और पीवी सिंह सर के द्वारा मेरी कार का इनॉग्रेशन हुआ था 5 मार्च 2010 को, और उसके साथ मेरे टीम में लगभग 4 कारों का रिबन कटा था ड्यू टू आर्सन। यही पर सफर खत्म नहीं हुआ सर, मैं फिर काम करना स्टार्ट किया, करता गया तो मेरे अपलाइनों ने मुझे फिर से कहा कि तुम्हें अपने लेवल को चेंज करना होगा। तब उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको आज अपनी दुकान आप कहते हो, उसको बोल सर ने आज से कुछ साल पहले हमें बताया था, आप सेवा केंद्र स्टार्ट करो, और सेवा केंद्र पे हमने काम करना स्टार्ट किया तो मेरी लेवल चेंज हुई, और वो लेवल जिसका आज आप यहाँ पर स्वागत देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टार पर्ल। जब स्टार पर्ल पे मैं आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि एक बार लक से आदमी गाड़ी खरीद लेता है, तो जब मैं इस चीज को देखा तो बोला आरसीएम तो देता है यार, तो लक की तो बात होती नहीं है, क्योंकि कहा जाता है सही जानकारी के अकॉर्डिंग टू मेहनत करोगे तो लक तो साथ देता ही देता है। कुछ लोगों को लगता था कि ये तुक्के से गाड़ी खरीद लिया, कुछ लोगों को लगता था कि इसको लॉटरी लग गई। मैंने फिर दोबारा से 5 नवंबर 2018 को मैंने फिर एक गाड़ी खरीदी, और उस गाड़ी का नाम है मारुति डिजायर। और अब लोग बोलते हैं आपको गाड़ियां खरीदने का क्या मतलब है, गाड़ी तो ऐसे भी है। मैंने बोला ये मेरा सपना है, मैं सपना सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल का देखा था, लोग मुझे फर्स्ट हैंड कार पे पहुंचा रहे हैं, ये है आरसीएम की पावर। क्या आप आरसीएम में ऐसे सपने रखना चाहते हैं जी? ये तो हो चुका है, लेकिन 5 नवंबर 2021 को मेरा दूसरा टारगेट है, मेरी जो ड्रीम कार है मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदना चाहता हूँ, ये डेट मैंने अनाउंस कर दिया है, और इसके लिए मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूँ, और मैं अपने लेवल को नेक्स्ट एकेडमी में चेंज करके जरूर आऊंगा, और अपने साथ मैं अपने इस लेवल पर दो अपने ग्रुप के लोगों को लेकर के आऊंगा, 2 स्टार पर्ल मेरा टारगेट है नेक्स्ट एकेडमी। लोग कहते हैं इनकम कितनी आती है, तो इनकम तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इनकम 10,000-15,000 से ज्यादा आएगी, लेकिन आज आरसीएम में हाईएस्ट इनकम मेरी जो आई वो 78,000 रुपीज टीडीएस कटने के बाद। ये सारा का सारा चीज देता है आरसीएम सिस्टम। आज जब मैं अपने माताजी को 1 स्टैक में, मैं जब फर्स्ट टाइम पे जब मेरी इनकम रॉयल्टी के आई थी तो मैंने 10,000 रुपया दिया था, तो मेरी माँ उसको ले नहीं पाई थी, बल्कि रोने लगी थी। ऐसे अगर माँ का बेटे बनने हैं ना तो आरसीएम करना, क्योंकि आप काम करोगे तब भी आपकी मां रोएगी, और नहीं करोगे तब भी रोएगी, लेकिन करके रुलाओगे तो खुशी के आंसू होंगे, और नहीं करके रुलाओगे तो गम के आंसू होंगे। रुलाना कैसा चाहते हैं ये डिसाइड करता है सर, आपके कर्म डिसाइड करते हैं। और अब जब और बड़ा फील्ड बढ़ा तो और एक से एक कोच मुझे मिलते गए, और आज मैं बता रहा हूं, आज जिस शख्स का रांची में हम लोगों को बराबर योगदान मिलता रहता है वो शख्स है मिस्टर राजा राम सहारन जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। इंद्राम बैराग सर का आज से 5 साल पहले मैंने मीटिंग कराई थी, और उनकी मीटिंग से मेरे लोग बहुत प्रभावित हुए थे, और मुझे नहीं पता लगता था कि कौन अपलाइन है कौन डाउनलाइन है। मैं अपने को कहा कि इसकी मीटिंग की तैयारी करो, तो मैंने इस कामयाबी तक आने के लिए एक ही काम किया है, मीटिंग की तैयारी।
और इसी मीटिंग की तैयारी के क्रम में रवि शर्मा सर का मीटिंग मिला था, तो राजीव सर और बोध सर के सौजन्य से मीटिंग हुई थी रांची में। एक ऐतिहासिक झारखंड का इतिहास बदल दिया था, 6000 लोगों को मैंने उस मीटिंग में बुलाया था। आप सभी लोग उसमें थे और आप भी आने वाले समय पे इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने हैं, गुरुओं का मार्गदर्शन चलता रहेगा। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। और अभी आज बहुत सा मेरा एम खराब हो गया थोड़ा सा, ठीक है जी, धन्यवाद दयाल सिंह। बात समझ में आता है कि साइकिल से कार, हाँ जी, अभी कार से हवाई जहाज। कार वालों की कमी नहीं है, लेकिन ये कार कुछ खास कि आपको जमीन से उठा के स्टेज पे ला देती है। कार वाले तो बहुत सारे घूमते रहते हैं, तो एक आम आदमी को खास बनाता है RCM।